उधर उद्धव ठाकरे ने इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए बीजेपी पर पलटकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानती है कि उसे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, इसीलिए पहले उन्होंने बाला साहब ठाकरे का फोटो चुराया और आज वो एक और ठाकरे को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के दूसरे चाचा भतीजा तो बीते कुछ साल से ज्यादा ही चर्चा में है। देश की राजनीति के दिग्गज शरद पवार के साय में उनके भतीजे अजीत पवार ने अपनी सियासत को आगे बढ़ाया, लेकिन सत्ता की चाहत क्या ना करा दे, चाचा शरद पवार की नाक के नीचे से भतीजे अजीत पवार ने उनकी पार्टी को ही तोड़ दिया, एनडीए में शामिल हो गए और अब महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग ने एनसीपी का नाम और घड़ी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी अजीत पवार वाले गुट को दे दिया है, यानी वही अब असली एनसीपी हो गए। इस फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत भी नहीं मिली है। इसका मतलब है कि एनसीपी के नाम से और घड़ी के निशान से अजीत पवार की पार्टी आम चुनावों में उतर पाएगी। एक वक्त था कि भतीजा अजीत पवार चचा शरद पवार के साय की तरह होता था, लेकिन पिछले साल ये साया छुमंतर हो गया और बीजेपी की परछाई बन गया। अजीत पवार ने पार्टी तोड़कर नई पार्टी बना ली और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बना। मंगलवार को पार्टी और चुनाव चिन्ह के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसका मूल चुनाव चिन्ह घड़ी भतीजे अजीत पवार को दे दिया है, जबकि शरद पवार को पार्टी मिली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता व्यक्ति। जाहिर है कि ये चुनाव शरद पवार को 25 साल बाद नए सिंबल पर लड़ना होगा। पवार के लिए ये एक झटका है, लेकिन एक खबर अच्छी भी है कि अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनवास पवार खुलकर चचा के पक्ष में आ गए हैं। जिस समय शरद पवार को अजीत पवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी समय अजीत पवार भाग गए। शरद पवार को इस उम्र में छोड़कर उनके जैसा नालायक आदमी नहीं होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। शुद्ध पारिवारिक पार्टियों में जब वर्चस्व की लड़ाई तेज होती है तो परिवार वाले ही एक दूसरे के खिलाफ तनकर खड़े हो जाते हैं। शरद पवार जैसे मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी भी अपनी पार्टी को इस फैमिली ब्रेकअप से बचा नहीं पाए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।